नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। जनपद में सुबह से ही मतदान को बूथों पर लगी लंबी लंबी कतारें, मतदाताओं का अपने प्रत्याशी के प्रति उत्साह देखने लायक। बूथों पर कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियम धरे के धरे। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। गुरुवार सुबह भोर होते ही मतदान करने के लिए मतदाताओं का उत्साह देखने लायक। भारी उत्साह के आगे कोरोना को लेकर सारे नियमों की उड़ी धज्जियां, परंतु लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी आहुति देने वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमालगंज के शेखपुर रुस्तमपुर की, जहां एडिशनल SP एवं आला अधिकारियां मतदान केंद्र शेखपुर रुस्तम का लगभग 8:45 पर औचक निरीक्षण किया। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भीड़ ना लगाने के निर्देश दिए और जो लोग मतदान केंद्र के पास अपना बस्ता लगाए थे वहां से उन्हें तुरंत हटाया गया। साथ ही साथ भीड़ ना लगाने की चेतावनी दी। अधिकारियों को आता देख लोगों में भगदड़ मच गई। सोताबहादुरपुर में भी बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जहाँ लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। याकूतगंज में भी ग्राम पंचायत सचिवालय में बड़ी संख्या में मतदाताओं की कतारें देखने को मिली। कमालगंज के गौसपुर के बूथों पर भी यही हाल रहा। तो अब बात हम चलते हैं आपको ग्राम बंदरखेड़ा, वहां पर भी सुबह से ही मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं सुबह से ही अपना घर का सारा काम काज निपटाकर बूथों की ओर रवाना हो गई। वहीं ग्राम जैतपुर में 600 बैलेट पेपर गायब होने की सूचना मिली, जहां हमारे जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक जी ने पलक झपकते ही सारा मामला साफ कर दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी पुलिस फोर्स के साथ जायजा लेने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर निकले। CRPF के जवान स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ भ्रमणशील हैं। खबर के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह जवाब पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी के नेतृत्व में अभी तक चुनाव में कोई भी घटना सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए आप हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।